आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है, रोते रोते गला बैठ जाता है। कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिली, एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरासी गई हो वो आंखें। कभी कोई क्षण भर याद भर भी दिला दे, उन्हीं पथराई आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। नमस्कार दोस्तों, आज से करीबन 2 साल पहले 3 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा स्थित छांझमुल्ला में मुठभेड़ में शहीद मेजर अनुसूत के सैदत की खबर जैसे ही उनके पंचकुला स्थित अमरावती घर में पहुंची तो परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मेजर अनुज के पिता अमरावती में रहते हैं। उनके पिता ब्रिगेडियर सी के सुद भी सेना से सेवानियुक्त हैं। पिता को जब बेटे मेजर अनुज के शहादत की खबर मिली तो वहां बेशुद्ध हो गए। शहीद मेजर 21 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। वह अमरावती के मकान नंबर 38 के रहने वाले थे। पिता सी के सुद ब्रिगेडियर सेवानियुक्त हैं। माता सुमन यमुनानगर के एक सरकारी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत थे। मेजर अनुज शुद की 2 साल पहले शादी हुई थी, अभी उनका बच्चा नहीं है। शुद परिवार लगभग 8 महीने पूर्व पंचकुला स्थित अमरावती में रहने आया था। उनकी कोटी निर्माणधीन है। शहीद मेजर अनुज शुद एक बड़ी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है और छोटी बहन भी सेना में कार्यरत है। मेजर शुद की पत्नी पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। मेजर सुद का पार्थिव शरीर सोमवार को पंचकुला पहुंचा, जिसके बाद उनका दाह संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ कर दिया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 सुरक्षाकर्मी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। पूरे सैन्य सम्मान के साथ और नम आंखों के बीच वीर बलिदानी मेजर का दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, वीर बलिदानी मेजर अनुज सुद का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।